हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैसे हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, यानी कि 10 वे टू सेव मनी इन योर 20s। स्टूडेंट लाइफ में पैसे बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये तो हम सब जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कुछ ऐसे आसान एंड इफेक्टिव तरीके जिससे आप जो है स्टूडेंट लाइफ में पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है बजटिंग। अपने हर महीने के एक्सपेंस को ट्रैक करें और एक आपको बजट बनाना चाहिए और उसमें अपने खर्चों को मैनेज करें, यानी कि आपने कितना स्पेंड किया है, कितना खर्च किया है और कितना आपने सेव किया है, वो सब आपको लिखना चाहिए। एंड सेकंड नंबर पर आता है कुक एट होम, यानी कि घर पर खाना बनाकर खाना खाने से नॉट ओनली अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे बल्कि आप बाजार के खाने पर जो खर्च होने वाला पैसा है उसको भी सेव कर पाएंगे, यानी कि आप वहां से भी बचत कर पाएंगे और अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख पाएंगे अपना खाना खुद घर पर बनाकर। एंड नंबर 3 पर आता है यूज स्टूडेंट डिस्काउंट। आप अगर स्टूडेंट आईडी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्काउंट अवील कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारी ऐसी शॉपिंग देखने को मिल जाती है जहां पर स्टूडेंट डिस्काउंट आपको अलग से मिलता है, तो आपको सबसे पहले कॉलेज में आते ही अपने स्टूडेंट आईडी को बनवा लेना चाहिए एंड उसके बाद जो है आपको फुल्ली जो है डिस्काउंट के लिए अपने स्टूडेंट आईडी का यूज़ करना चाहिए। इससे भी आप जो है एक अच्छा पैसा अपना सेव कर सकते हैं। एंड थर्ड नंबर पर आता है इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर कैसे आप एक अपना बेहतर पोर्टफोलियो बना सकते हैं तो चिंता मत करिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतर सॉल्यूशन जिसका नाम है गुल्लक। गुल्लक पोर्टफोलियो की मदद से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप गुल्लक पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करके एक बेहतर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। गुल्लक के प्रोफेशनल क्वांट्स मेथड एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ये पोर्टफोलियो बनाते हैं और हर महीने इनको रिफ्रेश भी करते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं गियर 3, गियर 4 और गियर 5 और गियर 6 जैसे पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको साफ साफ दिखाई देता है कि कौन सा गियर आपके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर जो है आपके लिए कितना ज़्यादा रिस्की है। कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे गियर 6 जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इन्होंने पिछले सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन आप देखेंगे इस पोर्टफोलियो की वायलेटिंग भी हाई रहेगी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है और आप यंग हैं तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं एंड आप व्यू स्मॉल केस पर क्लिक करके पूरी पोर्टफोलियो की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कितने स्टॉक्स हैं और कितना कितना परसेंट यहाँ पर इन्होंने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है और इनकी प्रोफेशनल टीम मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, सो नो चांस ऑफ फ्रॉड। तो ये लोग अपना पोर्टफोलियो हर महीने रीबैलेंस करते रहते हैं एंड साथ ही साथ वेबिनार्स भी करते हैं जिससे ये आपको रीबैलेंस इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट रिलेटेड क्वेश्चंस एंड डाउट भी आंसर करते हैं, विच इज लाइक फ्री एजुकेशन फॉर यू। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 5 पर आता है ट्रांसपोर्ट। अगर आप घर से कॉलेज तक किसी भी जगह जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं एंड पेट्रोल से जो है आप काफ़ी ज़्यादा बचे हैं, पार्किंग के खर्चों से आप काफ़ी ज़्यादा बचते हैं, तो इससे जो है आपकी काफ़ी अच्छी खासी सेविंग होने वाली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कीजिए। एंड 6 नंबर पर आता है अवॉइड इम्पल्स बाइंग, यानी कि जब आपको कुछ खरीदना हो तब थोड़ा वेट करें और वेट करके थोड़ा दिन उसको सोचें कि वाकई में क्या आपको उसकी ज़रूरत है, क्या आपको उसको खरीदना चाहिए। अगर हाँ तो जब जो है आपको काफ़ी कम या फिर लिमिटेड क्वांटिटी में ही उसको खरीदना चाहिए, आपको ज़्यादा हाई क्वांटिटी में या फिर ओवर बाई कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 7 पर आता है इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। मूवी टिकट और पार्टी से ज़्यादा पैसा खराब होता है, इससे क्या करना चाहिए, आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हालांकि जो है आपको अपने फ्रेंड के साथ घर पर बैठकर मूवीज़ को देखना चाहिए और फ्री इवेंट्स वगैरह को अटेंड करना चाहिए अपने इंटरटेनमेंट के लिए। वही बात करें नंबर 9 की तो यूज़ फ्री रिसोर्सेज।
कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से बुक्स और स्टडी मटेरियल लेकर पढ़ाई करें और इंटरनेट पर अवेलेबल फ्री कोर्स से अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। नंबर 9 पर आता है पार्ट टाइम जॉब। अगर आपका शेड्यूल आपको अलाउ करता है पार्ट टाइम जॉब के लिए, तो जो है आप एक छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे जो है आप अपने खर्चे को काफी हद तक मैनेज कर पाएंगे। नंबर 10th पर आता है प्लान योर एक्सपेंस, यानी कि हर महीने बिगिनिंग में ही आपको अपने एक्सपेंस का प्लान बनाना चाहिए, अननेसेसरी खर्चों से बचे। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे जो है आप स्टूडेंट लाइफ में पैसा बचा सकते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उसको जरूर चेकआउट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए एंड सीखते रहिए।